Hello everyone, myself Dr. Gaurav Vijay, starting a new topic that is arithmetic progression. आप लोगों के बहुत अच्छे response के बाद कई students के मेरे पास queries थी कि मैंने 12th के काफी lectures डाले हुए हैं, तो उसके अंदर सर pre-foundation divisions के भी हमारे पास कुछ lectures हैं, तो उन lectures को मैंने कई lectures को Unacademy के path पर discuss कर लिया है. Now कुछ हम YouTube के रेस्पेक्ट में भी डिस्कस करना चाहते हैं, उसके लिए आज अपन सबसे पहले लेकर के आए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को. ध्यान से इस टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और जो भी क्यूरीज होगी वो अपन बहुत अच्छे से मेंशन करेंगे. लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स अगर आपकी तरफ से आते रहेंगे तो मेरा रेस्पॉन्स उसके रेस्पेक्ट में इंक्रीज होता चला जाएगा, और उसी के रेस्पेक्ट में अपन नए नए लेक्चर्स को नए नए क्वेश्चंस के साथ जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन में और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन में आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ डॉक्टर गौरव विजय. नाउ वी हैव टू स्टार्ट अ टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. सबसे पहली बात जो हमारे पास नेमिंग के रेस्पेक्ट में आता है प्रोग्रेशन. प्रोग्रेशन मीन्स कंटिन्यू एक्सप्रेशन विच कैन बी यूज्ड इन द पाथ ऑफ एनी सीक्वेंस. हमारे पास कोई भी सीरीज है, उस सीरीज के अंदर जो भी चीज कंटिन्यू फॉर्मेट में आती है तो उसको अपन क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन. जिसका सबका डिफरेंस एक जैसा होना चाहिए उसको अपन प्रोग्रेशन कहते हैं. जैसे अपन कहीं पर भी कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं या कोई भी लाइन बनाते हैं किसी भी के रेस्पेक्ट में, तो सबकी आपस में डिस्टेंस कैसी रहती है, इक्वल रहती है, तो मुझे अरेंजमेंट बहुत अच्छा लगता है. उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, प्रोग्रेशन. अर्थमेटिक मतलब एडिशंस के रेस्पेक्ट में अपन बात करेंगे. सबसे पहली बात इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको यहाँ पर देखिएगा. एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर. लिस्ट ऑफ नंबर्स मतलब हमारे पास नंबर्स की क्वांटिटी होगी. लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म, जितनी भी हमारे पास टर्म्स है, इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, जिसके अंदर अपन कुछ चीज ऐड कर दें या कुछ चीज सब्ट्रैक्ट कर दें अ फिक्स नंबर के साथ. मतलब मैं जो भी उस सीक्वेंस में ऐड करना चाहता हूं या सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं वो हमेशा मेरा बराबर होना चाहिए, तो ऐसी सीक्वेंस के अंदर अपन उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यूज करेंगे. जो भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं फिक्स नंबर के अंदर टू द प्रीसीडिंग वन, प्रीसीडिंग मतलब उसके पहले वाली टर्म के साथ, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, पहली वाली को छोड़ दो, उसके अलावा जितने भी आगे आने वाले सीक्वेंस है उन सारी सीक्वेंस के अंदर मैं कोई भी चीज ऐड करूं या कोई भी चीज सब्ट्रैक्ट करूं वो इक्वल फॉर्मेट में होनी चाहिए, तो उसको अपन क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझना है इसको ध्यान से. जैसे अगर अपन ने एक सीक्वेंस ली ए, ए प्लस का डी, ए प्लस का कितना 2d, ए प्लस का कितना 3d, कॉमा डॉट डॉट डॉट, ऐसे हमारी पूरी की पूरी क्या है, एक सीक्वेंस है. ए हमारी क्या कहलाती है, फर्स्ट टर्म कहलाती है, जिसको अपन यहाँ पर यूज करते हैं, दैट इज द फर्स्ट टर्म. एंड डी इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, ये हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस कहलाता है, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर इंडिकेट किया है वो क्या होता है, हमारा फिक्स्ड नंबर होता है. तो फिक्स्ड नंबर से ही अपन क्या कर रहे हैं, उसको ऐड कर रहे हैं एंड देन सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है. तो जो फिक्स नंबर अपन इस पहले वाले नंबर के साथ ऐड किया वो डी, आगे वाले में इसके अंदर फिर से मैंने एक नंबर ऐड किया वो वापस से कौन सा है, हमारा डी है, तो वो बन गया ए प्लस का 2d. सिमिलरली ए प्लस का 3d हमारे पास आगे आने वाली टर्म्स आ गई. तो ये पूरी की पूरी जो सीक्वेंस है दैट इज कॉल्ड एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ये चीज क्या कहलाती है, हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है, जहां पर ए हमारा फर्स्ट नंबर है और डी हमारा क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस कहलाता है, जो हमारे पास उस सीक्वेंस के अंदर आता है. फर्स्ट नंबर को छोड़ करके बाकी सब में अपन ने डी को ऐड करते चले गए, हमारी सीक्वेंस बनती चली गई. ये चीज हमने यहाँ पर आप लोगों के सामने इंडिकेट करी है, दैट इज एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ फिक्स नंबर. मैं कोई भी फिक्स नंबर को ऐड करता चला जाऊं पहले नंबर के साथ प्रीसीडिंग नंबर के आगे, तो हमारे पास जो सीक्वेंस बन जाती है वो क्या कहलाती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है. अब इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हमारे पास सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है हमारी nth term ऑफ एन एपी, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की. अब मैं nth टर्म कैसे निकालता हूं, उस nth टर्म को कैसे निकाला जाता है उसको यहां पर अपन देखेंगे. nth टर्म मतलब जैसे यहां पर मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऐसे कोई भी टर्म दे दी, मैं आपसे कहता हूं कि 10th टर्म निकालो, तो ऐसे मैं बनाने लग जाऊंगा तो मुझे बहुत देर लग जाएगी, तो उसके लिए मैं डायरेक्टली 10th टर्म कैसे निकालूं, उसके लिए हमारे पास जनरल फॉर्मूला आता है जिसको आप क्या कहते हो, nth टर्म ऑफ एन एपी, दैट इज an. An equals to a plus का n minus का 1 into कितना d. a हमारे पास वही पहले की तरह first term है, d हमारे पास common difference है जो कि एक fixed number कहलाता है, n जो भी number of term निकालनी है. जैसे मैं आप लोगों को बोलूं 10th term मैंने बोला, तो a plus का 10 minus का 1 into अपन क्या कर सकते हैं, d. तो a plus का 9d is the 10th number which is called the 10th term of any AP.
जो कि हमारी क्या कहलाएगी, एक टेंथ टर्म कहलाएगी किसी भी एपी का। डन, कोई दिक्कत यहां तक ना। इसी ए एन जो हमारे पास एनएथ टर्म आई है, इसी को आप लोग क्या कह सकते हो, एल से भी इंडिकेट कर सकते हो, दैट इज द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। किसी भी एपी की जो भी लास्ट टर्म होती है वो ही हमारा ए एन है। तो रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से हो गया, एक ए एन की फॉर्मेट में, एक एल की फॉर्मेट में, अपन ने उस चीज को क्या कर लिया, रिप्रेजेंट कर लिया ना। मैं आप लोगों के सामने एक नई चीज लेकर के आऊंगा, देखिएगा ध्यान से किस तरीके से अपन अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट चीज है एनएथ टर्म फ्रॉम द एंड, एनएथ टर्म, मुझे एनएथ टर्म बतानी है फ्रॉम द एंड, एंड पर से अगर मुझे एनएथ टर्म बतानी है तो मैं कैसे बताऊंगा। इसके करने के दो तरीके हैं, पहला आप आपकी सीक्वेंस को जस्ट क्या कर दो, रिवर्स कर दो। दूसरा एनएथ टर्म फ्रॉम द एंड को अगर निकालना है, एनएथ टर्म फ्रॉम द एंड अगर आपको निकालनी है तो डायरेक्टली आप एक फॉर्मूला भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज एल माइनस एन माइनस का वन इंटू कितना डी। क्या है हमारे पास एल, जो कि हमारा क्या है लास्ट नंबर, ए एन बी हो सकता है ये, एन माइनस का वन एंड से मुझे कौन सा नंबर निकालना है वो एन होगा, डी तो आप लोग सब लोग जानते हो वो क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। तो उसी चीज से अपने यहां से रिप्रेजेंट किया एल, जो भी ए एनएथ एनएथ टर्म जो भी होगी हमारी वो हो सकती है, एंड से मुझे कौन सा नंबर निकालना है वो हमारा एन होगा, और डी जो हमारा कॉमन डिफरेंस है ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा एनएथ टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब एंड पर से जो भी मैं एनएथ टर्म निकालना चाहता हूं उसको मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब देखिएगा आ जाएगा सबको, दैट इज एनएथ टर्म फ्रॉम द एंड। अब मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, नॉर्मल तरीके से ध्यान से उस क्वेश्चन को देखिएगा किस तरीके से उस क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन चलेगा। राइट एन एपी, फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट प्रोफाइल, फर्स्ट प्रोफाइल राइट एन एपी, मुझे एक एपी बतानी है, राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज, जिसकी हमारे पास फर्स्ट टर्म इज 10, क्या राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 10 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 3 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 3, मुझे इसके बारे में बात करनी है। आप लोगों को प्रोफाइल टू प्रोफाइल वाइज चीज डिस्कस की जाएगी, आप ध्यान से सिर्फ क्वेश्चन को देखो, ये फर्स्ट केस है फर्स्ट प्रोफाइल नॉर्मल क्वेश्चन, जिसके अंदर फर्स्ट टर्म दे रखी है, फर्स्ट टर्म दे रखी तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 10 एंड कॉमन डिफरेंस जो आप लोगों के पास गिवन है वो कितना हो गया 3। मुझसे क्या पूछा है, एपी बताना है, एपी बताना है मतलब मुझे क्या बतानी है, सीक्वेंस बतानी है, सीक्वेंस मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होती है हमारी ए, जो कि हमारे पास कितना है 10, सेकेंड टर्म क्या होती है ए प्लस का डी, 10 प्लस का 3 कितना हो गया 13, थर्ड टर्म ए प्लस का कितना 2d, ए प्लस का 2 इंटू कितना आ गया d की वैल्यू 3, a कितना है हमारे पास यहाँ पर प्लेस कर दो 10, 10 प्लस का 3 टू जा 6 कितना हो गया हमारे पास 16। नेक्स्ट अगर मुझे आगे की और सीक्वेंस बतानी है तो एंड सो ऑन, इसी हिसाब से अपन आगे की तरफ बता सकते हैं। तो सीक्वेंस कैसे होगी, पहली टर्म 10, दूसरी 13, तीसरी 16, कॉमा आगे की टर्म, दैट रिप्रेजेंट्स क्या एपी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एपी, जिसमें फर्स्ट टर्म है 10 एंड कॉमन डिफरेंस है हमारे पास कितना 3, जिसको अपन ने यहां पर रिप्रेजेंट किया। गॉट इट एवरीवन, चीज आ जाएगी समझ में किस तरीके से अपने को रिप्रेजेंट करना है और किस तरीके से चीजों को सॉल्व करना है। फॉर नाउ अब अपन सेकेंड प्रोफाइल पर आते हैं इसकी दूसरी, गॉट इट एवरीवन, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, कोई भी डाउट हो आप लोग आराम से फ्रीली डिस्कस कर सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल के रेस्पेक्ट में आप लोग उसके ऊपर लिंक भेज सकते हो, क्यूरीज पूछ सकते हो, जो भी आपको दिक्कत आ रही है उस चीज को कर सकते हो, बट उसके लिए आपको लाइक एंड शेयर दोनों करने पड़ेंगे। फॉर द एपी राइट द फर्स्ट टर्म, क्वेश्चन नंबर टू प्रोफाइल नंबर सेकेंड, राइट एंड चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं, फॉर द फॉलोइंग एपी करते हैं, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, फॉर द फॉलोइंग एपी फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, मुझे फर्स्ट टर्म बतानी है और क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है। अब आप लोगों को यहां से दो क्वेश्चन की हेल्प मिलेगी,
इस बार के जो बोर्ड्स के एग्जामिनेशन के अंदर वहां पर भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या पूछा गया था उसके अंदर कि हमारे पास कोई भी सीक्वेंस दे रखी है उसमें से बताओ कौन सी सीक्वेंस एपी के अंदर है, तो वो भी इसी प्रोफाइल पर डिस्कस की जाएगी। 1/3, 5/3, 9/3, 1/3, 5/3, 9/3, ... ऐसे हमारी सीक्वेंस दे रखी है। मुझसे पूछा है इसके अंदर बताओ फर्स्ट टर्म कौन सी होगी और कॉमन डिफरेंस कौन सा होगा। फर्स्ट टर्म आप लोगों को दिख रहा है सीक्वेंस के अंदर जो फर्स्ट नंबर है वो हमारी फर्स्ट टर्म है, दैट इज ए इक्वल टू कितना 1/3। कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया है, दैट इज ए टू माइनस का ए वन, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर दो तो जो आपके पास आएगा वो क्या कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस। ए टू कितना है हमारे पास 5/3, ए वन कितना है 1/3, दैट इज 4/3, दैट इज कॉमन डिफरेंस। अब ये भी चेक कर लेंगे अपन के क्या वाकई में ये सही का, एक और निकाल लो A3 माइनस का A2 करके देख लो, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आना चाहिए, इसमें से इसको माइनस करो 9/3 माइनस का 5/3 डेट इज 4/3, देखिएगा दोनों तरफ से कॉमन डिफरेंस एक ही आ रहा है, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज 4/3 एंड द फर्स्ट टर्म इज 1/3। गॉट इट, चीज आ जाएगी समझ में कैसे अप्लाई करना है। फॉर्मेट देखिएगा, ये हमारी सेकेंड फॉर्मेट थी जिसको अपन ने यहाँ पर डिस्कस कर रखा है। Now, we have to proceed to the next one, अगली प्रोफाइल पर आएंगे, अगले क्वेश्चन पर आएंगे, चीज बताएगी पैटर्न टू पैटर्न चीज चेंज हो रही है, ध्यान से आप उसको देखिएगा। फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड, क्वेश्चन है थर्ड प्रोफाइल, फाइंड द सिक्स्थ टर्म, मुझे बताने क्या सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड, कहां से एंड पर से, याद है मैंने आप लोगों को एंड का एक फॉर्मूला बताया था, फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, ऑफ द एपी, और वो एपी हमारे पास सीक्वेंस फॉर्मेट में यहां पर गिवन है 17, 14, 11, ... मुझे क्या बताना है सिक्स्थ टर्म बतानी है कहां से एंड पर से। अब एंड पर से सिक्स्थ टर्म के लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था एल माइनस का एन माइनस का 1 × d, तो देखिएगा सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड, एंड से सिक्स टर्म, फॉर्मूला एल माइनस का एन माइनस का 1 × d, ये हमारे पास क्या आया था सिक्स टर्म। व्हाट इज द एल, अब 17, 14, 11, ... लास्ट टर्म है हमारे पास से माइनस का कितना 40, ये हमारे पास पूरा एक क्वेश्चन है जो गिवन है, इसलिए क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, उसमें ये एल गिवन होना चाहिए ताकि आप उसको आराम से निकाल पाओ, क्योंकि पीछे से सीक्वेंस का पता होना चाहिए। तो व्हाट इज एल, एल की वैल्यू है हमारी माइनस का 40, एन कितना है हमारा 6, क्योंकि 6 टर्म निकालनी है, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे सिर्फ पीछे से कॉमन डिफरेंस, तो 14 माइनस का कितना किया 17, वही कॉमन डिफरेंस का सेम, माइनस का कितना आ गया 3, हमारे पास क्या आया कॉमन डिफरेंस आ गया। अब बस कुछ नहीं करना आपको, सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लेस करना है, तो सिक्स्थ टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल्स टू एल, एल की वैल्यू माइनस का 40 माइनस एन कितना है 6 माइनस का 1 और डी की वैल्यू माइनस का 3, माइनस का 40 माइनस का 5 इंटू माइनस का 3, माइनस का 40 प्लस 5 3 का कितना 15, 40 में से 15 को माइनस करें तो कितना आएगा हमारे पास माइनस का कितना 25, दैट इज द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड। ये एंड से अपन ने क्या निकाल लिया सिक्स्थ टर्म, ध्यान से देख लीजिए प्रोफाइल को और फिर डिस्कस करते हैं। Now, अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रोफाइल के ऊपर, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, देखिएगा ध्यान से किस तरीके से काम हो रहा है हमारा, किस तरीके से अपने को चीज को आगे की तरफ लेकर के जाना है, प्रोफाइल कैसे बदल रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। द क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, प्रोफाइल नंबर 4th प्रोफाइल जो हमारे पास क्वेश्चन में डिस्कस की जा रही है वो क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज माइनस का 7, क्या दे रखी है फर्स्ट टर्म मुझे एपी की माइनस का 7, एंड द कॉमन डिफरेंस, एंड द कॉमन, और जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो भी हमारे पास क्वेश्चन में क्या है गिवन है, फर्स्ट टर्म एपी की माइनस 7, कॉमन डिफरेंस इज 5, फाइंड इट्स, मुझे क्या बताना है इट्स 18th टर्म, मुझे इसकी कौन सी टर्म बतानी है 18th टर्म बतानी है, एंड द जनरल टर्म, एंड द
जनरल टर्म और जनरल टर्म भी बतानी है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन को देखते ही समझ में आना चाहिए करना है क्या। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज माइनस का 7, फर्स्ट टर्म इज माइनस का कितना 7, एंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है डी, कितना है वो 5। फाइंड इट्स 18th टर्म, मुझे इसकी 18th टर्म बतानी है। मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया है, जनरल फॉर्मूला ए एन का क्या होता है, ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू कितना डी। ए यहां पर कौन है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है 7 माइनस का, प्लस का एन कितना है 18 माइनस का 1, एन की वैल्यू 18 और डी कितना है 5, माइनस का 7 प्लस 18 माइनस 1 है 7 इंटू कितना 5, माइनस का 7 प्लस 7 इंटू 5 दोस्तों सब लोगों को पता है कितना 85, 85 में से 7 को माइनस करो 5 इधर माइनस 2 उधर माइनस, कितना हो गया 78, दैट इज द 18th टर्म जो क्वेश्चन में पूछी गई थी। नाउ जनरल टर्म पूछी है, जनरल टर्म का फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, an, an a कितना है हमारे पास, माइनस का कितना 7, प्लस का n तो n ही रहेगा क्योंकि जनरल टर्म में निकालना है, और d कितना है 5, तो माइनस का 7 प्लस का 5n, माइनस का कितना 5, 7 और 5 माइनस का 12 प्लस का कितना 5n, तो हमारी जनरल टर्म क्या हो गई, an हमारी हो गई 12 माइनस 12 प्लस का कितना 5n। गॉट इट एवरीवन, चीज समझ में आ रही है। चार प्रोफाइल्स अपन यहां पर डिस्कस कर चुके हैं जो हमारे पास प्रोसेस के अंदर दे रखा है। अब अगली प्रोफाइल पे देखिएगा 2 मिनट इसको ध्यान से, कोई प्रॉब्लम हो कोई इश्यू हो तो डिस्कस कर सकते हैं। गॉट इट, चीज बहुत आसान है, क्वेश्चन को समझो और क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, बहुत इजी गोइंग में सब चीजें हो जाएगी। अगली प्रोफाइल अपन अगले लेसन में डिस्कस करेंगे, इस लेसन को अपन नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, पार्ट फर्स्ट है किसका, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास कौन सी है हमारे पास, इसके अंदर 10th क्लास है, बाय किसके, डॉक्टर गौरव विजय। ध्यान से देखिएगा आप लोगों को किस तरीके से इसके अंदर काम करना है और कैसे यूज करना है। आप लोगों को बस क्या करना है, एक लाइक और एक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि एक घंटी का बटन होगा उसको दबाइए, ताकि आपको डॉक्टर गौरव विजय के नाम से चीजें मिलती रहेंगी, जो भी लेसन आगे अपलोड होंगे आप लोगों को उसके लिंक शेयर होते रहेंगे। तो बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से सब्सक्राइब करिए और बहुत अच्छे से चैप्टर को डिस्कस करिए। अगले वाले पार्ट के अंदर, पार्ट नंबर 2 में अपन आगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।